नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद जी को लेकर के बड़ी सिंगापुर से दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। काफी समय से चल रहे बीमार लालू प्रसाद जी का पहले इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चलता रहा। डॉक्टरों द्वारा जब वहां पर पूरी बॉडी की जांच की गई तो पता लगा कि लालू जी की किडनी 75 से लेकर 80% तक डैमेज हो चुकी है। उसकी वजह से लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य दिन पर दिन गंभीर होता हुआ जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद जी अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर गए थे। जी हां, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ पहले सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि वो अपनी किडनी अपने पिताजी को डोनेट कर रही हैं। जी हां, वो अपनी किडनी अपने पिताजी को देंगी और लालू प्रसाद जी अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर गए हैं अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लालू जी की किडनी का ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को कर दिया गया। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि लालू जी की सेहत अब ठीक है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट कर दिया गया है और रोहिणी आचार्य भी स्वस्थ है। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद जी का किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया ताकि उनका वहां पर अच्छा से अच्छा इलाज हो सके और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जो भी माता है मेरे भाई बहन भैंस लोग चाहने का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक बार ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर लालू प्रसाद जी के लिए ठीक होने की कामना जरूर करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, वापस अपने घर आ जाए। और रोहिणी आचार्य जैसी बेटी जो हमारे भारत देश में, हम सभी भारतीयों को गर्व है कि ऐसी महान बेटी हमारे भारत देश में है।